यार यहाँ दिल्ली में कितनी ठंड हो रही है, बस एक स्नोफॉल ही पड़नी रह गई है। पता है ठंड के कारण मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। इस ठंड का असर तेरी जुबान पे नहीं पड़ा? चुप कर तू। काम करते हैं, घर चलेंगे और गर्मा गर्म चाय पीते घर जाके, है ना? सही कह रही है, एकदम तेरे हाथ की। हाथ की? मेरे हाथ की क्यों? दो दिन पहले तो मैंने बनाई थी चाय। दो दिन पहले तो मैंने बनाई थी। तो तीन दिन पहले बनाई होगी। तीन दिन पहले मैंने बनाई थी। तूने कहाँ से बनाई थी? मैंने बनाई थी। अब ये बनाएगी? मैं नहीं बनाऊंगी। मैं भी नहीं बनाऊंगी। तो ये बनाएगी फिर? तू बनाएगी। मैं नहीं बना सकती, मैं बना ही नहीं सकती, मैं हार ही गई। अब हम लोग लगाते हैं रेस। अब जो घर में सबसे लेट पहुंचेगा ना, वो बनाएगा चाय। ओके, तो मैं लाइन बनाऊं? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 go सॉरी भैया, शायद हम गलत फ्लैट पर आ गए। ये ले, इधर आ। ये नेम प्लेट देख, मकान मालिक का नाम। हाँ यार, नाम तो उनका ही है। चल फिर। फिर ये कौन है? मुझे क्या पता। अच्छा, मेरे को लगता है तेरे बुआ का लड़का है। तेरी फूफी का है। मेरी फूफी का? इसकी मौसी का होगा वो। मेरी मौसी ही नहीं है। फिर ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रहा है? मैं देखो इस छोरे में। अरे अरे, क्या हो गया? कौन है ये? इतना डर क्यों रही है? इंसान ही तो है। अगर हमें पता होता तो हम पूछते थोड़ी। चल चल के देखते कौन है। आजो आजो आजो। दारू भी नहीं पी रखी इसने तो। फिर ये है कौन? हेलो भाई साहब। ओ भाई साहब, कौन हो आप और हमारे घर में क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं दे रहा। बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दिखने में तो हट्टो कट्टो दिख है, घूंगो लाग है। घूंगो? अच्छा तो घूंगो होगा ना, अंधो थोड़ी है, दिख तो रहा होगा इसको। हेलो भाई साहब। अरे भाई साहब जवाब दो ना। जवाब दे रही है मैं दू? नहीं बोला। इतनी देर हो गई है, करे जा रही है, बता देना क्या हो गया। कहाँ गए हो? ये तो यही है। अरे गयो। नहीं गयो, देखो यही है। अरे गयो। कहीं नहीं गयो। बेवकूफ, मर गयो। ये तो जिंदा लाश है। या तो ये जिंदा है या तो ये लाश है। हाँ तो ये लाश है। पुलिस को फोन कर। तू कर। अरे नहीं नहीं, मैं करती, मेरे पास फोन है। कहाँ गया मेरा फोन? अरे जल्दी करो, फोन फंस जाएगा वरना। ये क्या नंबर होता है पुलिस का? 100। ओके, 100। अबे 100। 100। काम करते हैं, इसको फटाफट से कहीं पे छुपा देते हैं, वरना वाट लगेगी हमारी तो। हाँ, ये लो। कहाँ मोटा है ये, कोई हल्की सी लाश आ जाती। हे भगवान, हमारे भी पल्ले इतनी मोटी लाश बांधनी थी क्या? कोई हल्की फुल्की सी मिल जाती। मोटी, इस मोटे को तो तू ही उठा सकती है। जल्दी आ जा। इनकमिंग। On the count of 3, 2, 1, go!
है इसको उठाना, इसको तो ऊपर वाला ही उठाएगा। भाई तो उठा चुका। अब क्या करें? हाँ एक आइडिया है मेरे पास। अब ले चलो इसे। जाओ तुम लोग देख के आओ कौन आया गेट पे, मैं इसको देखती हूँ। मोटे को हाँ जी भैया आपने पेस्ट करवाने के लिए बुलाया था। अच्छा कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करना कल आ जाना, कल आ जाना। मैम आपके फ्रिज में करंट आ रहा है, मरमुर जाओगे। कोई बात नहीं हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं अब जाओ कल आ जाना। कल नहीं आ पाऊंगा मैम। क्या करें, बुला ले अंदर, बुला लेते। आजो भैया आजो। मैम आपका फ्रिज ठीक हो गया, करंट नहीं मारेगा। आप ठीक हो क्या? ये पता नहीं चला, चल चल के देखते हैं। बच गए। कौन है? मुझे क्या पता। पुलिस गेट खोलो। पुलिस? पर मैंने तो किसी को फोन भी नहीं किया था। मुझे लगता है कि इनको पता चल गया कि हमारे घर में लाश है। अब इस मोटे को दोबारा छुपाना पड़ेगा क्या? उठाओ चल मोटे, मोटी लाश आराम से। छुपा इस मोटे को, बाथरूम में छुपा दे। अरे पागल है क्या, बाथरूम में सबसे पहले आके देखेंगे वो। अरे एक काम करते हैं, इस बेड में छुपा देते हैं, यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। ये अच्छा आइडिया, पटको इसे। बताइए मैडम, आपकी सोसाइटी में ना एक शातिर चोर घुसा हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है, तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, कहीं वो यहाँ पे तो नहीं छुपा हुआ। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ना कोई चोर नहीं है, और अगर होता तो हमें पता होता, लेकिन हमें नहीं पता इसका मतलब नहीं है। नहीं नहीं हमें फिर भी तलाशी लेनी पड़ेगी, आप दो मिनट साइड में हो जाइए। अरे सर कोई चोर नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप, हम यहीं पे तो है तब से। मैडम वो हम देख लेंगे, आप दो मिनट साइड में हो जाइए। सर ढूंढ रहे साले को, जा बाथरूम में देख, मैं इधर देखता हूँ। अरे सर हमारे घर में कोई चोर नहीं है, खोल तो रहे हम। अरे आप ऐसे अलमारी कैसे खोल सकते हो? अरे रुको ना चेक करने दो। मैं सर मैं बोल तो रही हूँ, चोर होता तो हमें पता ही चल जाता। क्या है? पैर खोल पैर खोल। अरे हमारे घर पे कोई नहीं है, इन्हें समझाओ।
अरे अरे सर, कोई भी नहीं है, चोर कहाँ से आएंगे हमारे घर में सर? अरे अरे सर, यहाँ पे कोई नहीं है, हम बता रहे हैं ना, यहाँ कोई नहीं है, हमारे बेड में भी कोई नहीं है। देखिए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, दो मिनट साइलेंट हो जाइए। ओए बैठ खोल। अरे सर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, चोर थोड़ी ना होंगे यहाँ पे। मैंने कहा ना चेक करने दो। हेलो जी सर। ओके सर, जय हिंद सर। सर बड़े सर का फोन आया था, उसी चोर से मिलती हुई शक्ल का एक बंदा मिला, तो चलो वहाँ चलते हैं। जल्दी चल फिर। सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब किया, जल्दी चलना। बच गया आज तो। अब इसका क्या करें? वही मैं भी सोच रही हूँ। वैसे ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते, इसके ना 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल देते हैं। इससे बढ़िया इसको पानी की टंकी में डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ इसको ना पंखे पे लटका देते, सुसाइड केस बन जाएगा, मैं नोट लिख दूंगी। अरे सबसे बढ़िया इसको मालगाड़ी में बिठा देते, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। अरे चुप रहो तुम दोनों, कैसे गंदे गंदे जानवरों वाले आईडी दे रहे तुम लोग। इंसान है वो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसको इंसानों की तरह दफनाया जाते हैं। इंसानों की तरह? वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फूल भी ले जाए साथ में। जल्दी कर दो, कोई और जाएगा। अरे कर तो रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। लड़कियों ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? इंसान दफना रहे। इंसान दफना रहे हो? इसका मतलब है हमारे कुत्ते का नाम इंसान है। वो क्या है ना, जानवरों को भी तो बुरा लग सकता है ना, इसलिए इसका नाम हमने इंसान रख दिया। फैमिली मेंबर है ना, तो ऐसे कैसे कुत्ता बोल देंगे, इंसान है ये तो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो वो सब तो ठीक है, पर ये कुत्ता इतना हट्टा कट्टा कैसे है? अदरा जी, खाते पीते खानदान का है, हट्टा कट्टा नहीं होगा क्या? हाँ वैसे भी हमें देख लो, हमें देखिए क्या पता नहीं चल रहा। चलो ठीक है, बाकी थोड़ा नमक में सही से डाल देना, जल्दी गल जाएगा। जी 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 जी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जॉनी अंकल आ रही है। यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अगर यहाँ किसी ने देख लिया ना तो हमें जेल में जाना पड़ेगा। सही कह रही, अब क्या करें? इसको ना वापस घर पे ही ले जाते, वही सबसे ज्यादा सेफ जगह है। मैं पागल है क्या, घर से उठाकर तो इसको यहाँ पर लेकर आए, अब दोबारा घर में थोड़ी ना जाएंगे यार हम वापस। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसको घर पे लेके चलो या फिर जेल में चलो। यार ये कह भी सही रही है, मुझे सही लग रही है इसकी बात, चलो उठाते हैं। तो सुसु आ रही है, इस मोटी लाश के चक्कर में सुबह से रोक रखा है, मैं तो अपने सुसु करने जा रही हूँ, बाय। देख मुझे तो ना बहुत ज्यादा भूख लगी है सुबह से, तो मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, तो इसी के साथ रहे। ओ ओए पागल है क्या कि तू ये मेरे को लाश के साथ छोड़ के जा रही है, तू मेरे को डर लगता है। अबे इंसान ही तो है ये, कौन सा उठकर तेरे को खा जाएगा, पड़ी रह इसके साथ ही। नहीं यार प्लीज बचाओ, प्लीज बचाओ। चली गई दोनों। इसकी दाढ़ी के हिसाब से इसकी मूंछ थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। हाँ अब ठीक है, और ये मस्सा भी थोड़ा और मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा आईब्रोज भी मोटी होनी चाहिए, तब लगेगा ये सही। चिल्लाने की बात कैसी आ रही है सर? मुझे तो लगता है ऊपर दाल में काला है कुछ। मेरे को तो पूरी दाल ही काली लग रही है, चल देखते हैं। खड़ी हो जा, चल चल जल्दी उठ, इधर आ, तू भी। तुम मर गए थे ना, जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारी तो सांसें भी नहीं चल रही थी, हमने चेक किया था।
मैं कब मरा? वो तो हुआ यू था। मरोगे तो अब तुम तीनों। ये चिल्लाने की आवाज़ है। पुलिस सर, ये तो वही चोर है। अबे साले, सुबह से पता नहीं खा खानी ढूंढा, अब जाके मिला है। तू तो थाने चल, तेरे को तो मैं बताऊंगा। थैंक यू सर, आप सही टाइम पर आ गए, वरना ये चोर तो हमें मार ही देता। हाँ उड़ तो आगे चल तू। हाँ 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 सर, ले जाओ इसे और जेल में डाल देना इस चोर को। बच गए आज तो। हाँ। अब एक काम कर, तू आई थी ना सबसे लेट, जा चाय बना ले जल्दी से। पर कुछ नहीं, चल तू भी चल। बच गए यार आज तो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे होते हम। सही बोल रही है, मुझे तो ना अभी भी डर लग रहा है। छोड़ ना यार, बच गए ना, सब कुछ सही सही हो गया, चाय एंजॉय करते हैं। ठीक है। क्या हो गया?